न्यायालय के एक अहम फैसले से पीड़िता को न्याय मिला। प्रकरण के दौरान पीड़िता व परिवार न्यायालय में पूरी तरह से बयानों में बदल गया था। एकमात्र पुलिस के द्वारा कराए वैज्ञानिक परीक्षण के दौरान पीड़िता का डीएनए ही सबूत बना और मुजलिम को सलाखों के पीछे धकेलने में उपयोग हुआ। यह मामला खरगोन जिले के बिस्टान थाने वर्ष 2018 का है। बलात्कारी नटवर को 10-10 वर्ष का कारावास मिला है, जबकि पीड़िता अपने परिवार के साथ अपने घर पर सो रही थी। उसी दौरान नटवर नामक लड़के के द्वारा पीड़िता के साथ गलत काम किया गया। उसी मामले में बिस्टान पुलिस के द्वारा पीड़िता लड़की का डीएनए करवाया गया था, जिसकी रिपोर्ट के आधार से मुजलिम को द्वितीय अपार सत्र न्यायाधीश श्रीमती गीता सोलंकी के द्वारा सजा सुनाई गई। मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता लड़की नाबालिग रही थी। धारा 376 व धारा 450 में 10-10 वर्ष की सजा सुनाई गई है और 20,000 रुपए अर्थदंड भी किया गया है। मुख्य बिंदु इस प्रकरण में एकमात्र डीएनए रिपोर्ट ही साक्ष्य होने से मुजलिम को सजा मिली है। घटना दिनांक 30/10/2018 की है, थाना बिस्टान की है। वहाँ पे पीड़िता उसके पिताजी के साथ रात्रि में सो रहे थे पूरे परिवार के सहित। आरोपी नटवर उसके घर के अंदर प्रवेश करा और उसको डरा धमका कर उसके साथ रेप करा था। उसी दौरान उसके साथ उसके उसी बात पर से डरा धमका के कई दिन तक उसको इस तरीके से करता रहा था। इस दौरान वो प्रेग्नेंट हो गई थी और पीड़िता की उम्र मात्र 14 वर्ष थी। और उसमें खास बड़ी विशेषता ये थी कि जो पीड़िता थी और उसके परिवार वाले जो सदस्य थे घटनाक्रम से पूरी तरीके से डिनाई कर गए कि हमारे साथ इस तरीके से कोई घटना नहीं हुई है। वो सिर्फ मारपीट की घटना होना कारित करे रहे थे। तो उसके बाद फिर इस प्रकरण में एक महत्वपूर्ण एविडेंस है, डीएनए परीक्षण वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर आरोपी नटवर को न्यायालय द्वारा धारा 450 में 10 वर्ष की सजा और 376 में बलात्कार के मामले में 10 वर्ष की सजा से दंडित किया गया। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।